हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2018 में जो फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर है, क्वेश्चन क्या है, 2 थिन लेंसेज हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं और फोकल लेंथ क्या गिवन है कम्बिनेशन की, 80 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास 2 थिन लेंसेज हैं कॉन्टैक्ट में हैं और उनकी मीन फोकल लेंथ क्या है आपके पास, 80 सेंटीमीटर। अगर किसी एक लेंस की फोकल लेंथ पता है तो आपको दूसरे लेंस की पावर निकालनी है। ओके, कम्बिनेशन से क्या आ रही है, 80 सेंटीमीटर। किसी एक लेंस की है 20 सेंटीमीटर। हमें फिर फॉर्मूला पता है थिन लेंसेज के केस में, 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहाँ से पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2 होती है। फोकल लेंथ की टर्म्स में पावर क्या होती है, 100/f कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन की थी 80, 100/80 हो गई। यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन से P2 निकालना चाहे, दैट इज़ इक्वल टू P - P1। P है आपके पास 100/80 माइनस P1 क्या हो जाएगी इसी तरह से 100/f1, दैट इज़ 100/20। एलसीएम लीजिए या फिर 5/4 आ गया, -5, दैट इज़ इक्वल टू 5 - 20/4, दैट इज़ इक्वल टू -3.75 डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या रहेगी, डायोप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, क्रोमेटिक एबरेशन किसकी प्रोडक्ट होगी, डिस्पर्सिव पावर के साथ फोकल लेंथ ऑफ रेड रे, डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन फोकल लेंथ, 1/ डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन फोकल लेंथ, डिस्पर्सिव पावर इनटू 1/ मीन फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एफ, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर एंड एफ इज इक्वल टू मीन फोकल लेंथ। सो यहाँ से ऑप्शन आपका बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्टिक्स का ही, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद ए ग्रेटिंग। किसी भी ग्रेटिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैसे निकालते हो, वो ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर आपके पास प्रोपोर्शनल होगा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग या कुछ था प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट, सॉरी। तो यहाँ से क्या होता है, a + b sin θ इज इक्वल टू n लेमडा है। ये 4th था आपके पास, नन ऑफ दीज ऑप्शन था। तो a + b sin θ n λ होती है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे साइन थीटा की, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना चाह रहे हो तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो a + b = n λ और यू कैन से n = a + b। a + b आपके पास होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, तो n जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ग्रेटिंग एलिमेंट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट, दैट इज़ आवर्स सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लेजर से आया हुआ है, 2 लेवल्स हैं E1 और E2 आपके पास। A21 जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशियंट होता है 6×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड ही होती है इसकी यूनिट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम E2 and E1। ये 4 ऑप्शन गिवन थे, लेट अस से दीज आर आवर एनर्जी लेवल्स E1 to E2। जब आपने रेडिएशन डाला है, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपके जो हैं एटम्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन लेज़र के किस में आप एटम्स की बात करते हैं, जैसे वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो आपके पास रेडिएशन एमिट होगा, तो वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं एनर्जी लॉस करके, जिसको आप स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अगर आपको फिर से रेडिएशन डालना पड़े तो वो स्टिम्युलेटेड एमिशन कहते हैं। यहाँ पर आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशियंट था और आपको पता है E2 - E1 जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं इस एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में h𝛎। तो E2 की वैल्यू आपके पास है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 की है -13.6। सो E2 - E1 क्या हो गया, -3.4 -13.6 इक्वल टू h𝛎। h𝛎 की वैल्यू क्या आ गई है, डिफरेंस आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके 1.6×10⁻¹⁹ जूल। यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड बाय एच कर दोगे, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6×10⁻¹⁴, दैट इज इक्वल टू 2.47×10⁻¹⁵ हर्ट्स। ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, दिस वन राइट आंसर। तो जस्ट बेसिक था, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं था, एनर्जी डिफरेंस जो है h𝛎 के इक्वल होता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है इस टाइम भी आए, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। के अल्फा लाइन ऑफ मटेरियल जिसकी एनर्जी क्या है 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, 45, 55, 81, 23। आपके पास के अल्फा लाइन के मटेरियल की एनर्जी गिवन है 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो है ये के अल्फा लाइन कहाँ से आ रही है। जब आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है किसी
टारगेट एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, लाइक ये न्यूक्लियस है, ये के सेल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, ये एल के हैं, यहाँ से आपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये जो के सेल में इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे कोलाइड करेगा, तो ये क्या करेगा, इन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा, तो इजेक्ट किया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब जो एम एल एम एन सेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, के सेल में वैकेंसी फिल हो जाएगी। और जो एनर्जी डिफरेंस था, लाइक हमारे पास आ गया एल से के में, तो ये एनर्जी डिफरेंस हुआ एल सेल का और के सेल का, वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, एक्सरेज की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे के अल्फा लाइन कब होगी, जब एल सेल से आपका के में आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम के केस में भी आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा, तो एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू वन बोलते हैं के अल्फा लाइन। मोस्टली लोग क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटोमिक नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो टारगेट एटम लिया था उसका एटॉमिक नंबर, ये जेड था अगर याद हो, रूट न्यू, तो कुछ ये आ रहा था, ये आपके पास जो है इंटरसेप्ट था, ये स्लोप था, तो यहाँ से आपके पास रूट न्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, तो स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड, न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी होल स्केयर, ये मोस्टली लो है, ये मैंने डाला हुआ है मेरे लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं जो मैंने बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स का प्लेलिस्ट डाले हुए हैं उसमें मोस्टली लो लेक्चर है। तो के अल्फा लाइन पर्टिकुलर बात करें तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 3/4 RC, वेयर आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, न्यू को क्या यूज़ कर सकते हो, सी बाई लेमडा, ए की वैल्यू है 3/4 RC, जेड माइनस 1 होल स्केयर, यहाँ से सी कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ गया, 1/लेमडा इज इक्वल टू 3/4 R इंटू जेड माइनस 1 होल स्केयर, और यू कैन से जेड माइनस 1 होल स्केयर क्या आ गया, 4/3 लेमडा R, 4/3 लेमडा वेवलेंथ निकालनी होगी, एनर्जी क्या होती है, HC/लेमडा, अब एनर्जी आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, H की वैल्यू लिखिए 6.6 × 10⁻³⁴, C की वैल्यू 3 × 10⁸, एनर्जी है 66 × 1.6 × 10⁻⁙ यूज़ किया है क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको मैं जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ, इट कम्स आउट टू बी 0.1884 × 10⁻¹० यहाँ पे वैल्यूज यूज़ कीजिए, 4/3 × लेमडा है 0.1884 × 10⁻¹० रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 109737, ये आ रही है, जेड माइनस वन स्केयर इज इक्वल टू 6449, जेड माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्केयर रूट लो, दैट इज इक्वल टू यहाँ से 80.30, जेड क्या आ गया 81। तो इस तरह से मोस्टली लो की एप्लीकेशन है, इस क्वेश्चन को सभी कीजिएगा, 81 है, मैंने जो है ये 18 का डाल रही हूँ, मैं ऑलरेडी 19, 20, 21 आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, MDU के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमैन इफेक्ट की एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जब कोई स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें रिजोल्यूशन क्या है 0.010 नैनोमीटर यूज़ है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि किसके लिए, जीमैन इफेक्ट में जो है ये आपके पास 3 लाइन्स मिलें और वेवलेंथ क्या यूज़ की है, 400 नैनोमीटर यूज़ की है। हमें पता है सेपरेशन ऑफ ट्रिपलेट लाइंस जो है, ये फॉर्मूला याद रखना आपके जो इसी पे बेस्ड है, या तो डी लेमडा निकालने को दिया जाएगा, बी गिवन होगा आपको, लेमडा गिवन होगा, यहाँ पे क्या है, डी लेमडा गिवन है, जो रिजोल्यूशन गिवन है दैट इज़ डी लेमडा, लेमडा लाइट जो यूज़ की है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर गिवन है, आपको बी निकालनी है, यहाँ से बी, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस पे बेस्ड हमेशा आपका IIT जैम कह लो या कोई भी MSc बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम आएगा उसमें पूछा जाएगा, बी क्या आ गई यहाँ से, डी लेमडा बाई लेमडा स्केयर इंटू 4πC डिवाइडेड बाई ई बाई एम, ओके, यहाँ से ई बाई एम की वैल्यू होती है 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर kg, या आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज यूज़ करना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सोल होकर ये वैल्यू आती है, तो कोशिश करना ये याद ही रहे अगर एग्जाम में नहीं गिवन हो। डी लेमडा गिवन थी नैनोमीटर में 0.010 नैनोमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया, लेमडा आपकी 400 नैनोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके, सी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸, जस्ट इन वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, डी लेमडा आपकी है 0.010 × 10⁻⁹, 4 × π की वैल्यू है 3.14, सी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸, लेमडा स्केयर है 400 × 10⁻⁹ होल स्केयर, ई बाई एम की है 1.76 × 10⁻¹⁰, ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 1.34 टेस्ला। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान से कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, आपके पास जो है ये आपके पास दो बैंड है, वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, आपको पता लगाना है जब आपका टेम्परेचर है 300 केल्विन कितने ऐसे हैं जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए,
एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, दैट इज़ एनर्जी बैंड गैप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन एक्साइट किया है इस एनर्जी बैंड गैप के अराउंड। ये चार ऑप्शंस हैं, मैंने सोल्व किया है तो 1.3 × 10⁻⁶ आ रहा है। यहाँ से एनर्जी गैप है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ट्राई करें उसको जूल में कन्वर्ट करें। मुझे फॉर्मूला है पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड का फॉर्मूला याद रखिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईजी बाई टू के टी। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट ईजी बाई टू के टी, देन टेक इट्स एक्सपोनेंशियल। ईजी क्या है, 0.7 × 1.6 × 10⁻⁹⁹ जूल है। टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है 1.38 × 10⁻²³, टी है 300। ये आ रहा है 1.35 × 10, दैट इज इक्वल टू 13.5। अब इसका एक्सपोनेंशियल लीजिए, माइनस ऑफ ईजी बाई टू के टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 13.5, दैट इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁶। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं जल्दी डाल दूंगी। ओके, थैंक यू।